राधे जी, जय कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ पर ब्यूटीफुल सिंपल नेटिंग मशीन का पैटर्न, टक बटन का जो सिंपल नेटिंग वाली चीज़ होगी वो कैरिज के नोक को बैक साइड एंड कार्ड वाली इससे, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको सेंटर का बताती हूँ, बाद में आपको ये खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करना क्या है, मैंने यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 फंदे हैं ना। तो 21 फंदों के यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 7, एक मिनट मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ भी मतलब 21 के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड 7-7 फंदों को हमने इस तरह से करना है। तो चलिए मैं आपको बता लेती हूँ, यहाँ पर आप मार्क भी कर सकती हो ताकि आप जो है आपको याद रहे, है ना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसे अनदर धागे से हम बुनेंगे, तो किस तरह से बुनेंगे देखिए 2, 4, 6, ये देखिए। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको, हमने यहाँ पर ऐसी ट्रिक मैंने आपसे पहले भी शेयर की, अनदर धागा लगा देंगे, हर बारी में सुइयाँ आपकी एक एक निकलते जाते ट्रायंगल शेप की बनेगी। तो अनदर धागा यूज़ कर रही हूँ, हमने इस तरह से ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, जो मेरी दूसरी वाली साइड है उसे भी मैंने जो है इसी तरह से निट करते हुए जाना है, ठीक है। तो धागा चाहे कट कर लीजिए, चाहे आप ऐसे रख लीजिए, तरह से ये हमने कर दिया, ठीक है। तो अब हमने अंदर वाले पोर्शन को निट करना है, ठीक है। तो इसे भी इस तरह से कर लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने किसी भी ट्रायंगल शेप में ले जाना है, दोनों साइड से फिनिश करते हुए जाएंगे हम, ठीक है। फ्रेंड्स, ब्लैक भी वैसे ही मैंने फिनिश कर दी। अब आ जाइए यहाँ पर 7 थे ना, तो मेरे यहाँ पर ये 3 रेड के, देन मेरा ये 1 वाला ब्लैक का। तो चलिए हमने क्या करना है, अब 21 के हाफ तक हमने जाना है, 21 था ना हमारे यहाँ। तो हमने करना किस तरह से देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पर जहाँ से देखना है आपने, यहाँ से एक फंदा हमारा फ्रंट में होगा और एक हमारा बैक, इस तरह से। तो चलिए, जैसे मैंने 21 के हाफ कर लिए थे ना, अब ये वाला भी इसी तरह से सेंटर में आएगा। और चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी, नेक्स्ट क्या करना है हमें। आ जाइए यहाँ पर मेरे 7 का मैंने हाफ लिया था ना इधर को, तो चलिए अब मैंने यहाँ पर भी इसी तरह से करते हुए जाना है। क्या करना है भाई, एक को हम आगे करेंगे, एक को पीछे करेंगे, ठीक है। बैक, फ्रंट, ये मैंने करना है 11 तक, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे 3 फंदे लेने से, यहाँ पर मैंने जहाँ मेरे 7 ग्राफ था ना, तो 3 मैंने फंदे ले लिए। अब मैंने इन्हें बैक करते हुए जाना है और यहाँ पर मेरे 21 फंदे ही आने चाहिए। ऐसे ही दूसरी साइड भी करते हुए जाएंगे हम। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, मुझे तो पता लग रहा है ना। तो मैं आपको काउंटिंग बताती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 11, ठीक है। तो फिर मैंने आपको कहा था यहाँ पर 3 फंदों को मैंने अब इस तरह से करते हुए जाइए। तो सेंटर में हम आ गए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए अभी धागा कट नहीं किया हुआ है, तो आपने साथ साथ कर
उतने से कटिंग करते रहना ताकि ये बिल्कुल ठीक आए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 3 ठीक है, एक सेंटर का, फिर ये 2 3 7 फंदे। तो ये जिस तरह से यहाँ से निकाल रही हूँ ना मैं, इस तरह से यहाँ से भी आपने निकालना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से, तो पहले मैं एक एक दो दो तीन तीन ठीक है। तो आज ये करेंगे यहाँ पर ले आते हैं, फिर नेक्स्ट ये वाली साइड भी इसी तरह से करते हुए जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इन फंदों को हम यहाँ करेंगे, ठीक है, सेंटर के रख लेंगे, फिर ये भी काउंटिंग करते हुए जाएंगे। सेंटर देखते ही दोनों साइड के 3 3 फंदे जो हमने निकाले थे ना, उनको बैक करना है इस तरह से, और पूरे कितने लाने हैं हमने अपने 7, ठीक है। और फिर हमारा क्या होता है, एक बार आपको ये ग्राफ आ जाएगा ना, तो आप इजीली बना सकते हो। फिर वैसे ही रिपीट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरुआत में बताया ना यहाँ पर, तो वैसे ही करते हुए जाएंगे। देखिए 7 थे ना मैंने पहले राइट एंड साइड में, जब सेंटर में आ गया है, और इसी तरह से ये आपका ब्यूटीफुल पैटर्न जो है हमारा रेडी होगा इस तरह से, ठीक है। देखिए 7 आ गए हैं इस तरह से, है ना। तो फिर अब यहाँ पर भी इसी तरह से होगा हमारा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। फिर वैसे ही करते हुए जाएंगे, रेड को भी ब्लैक को भी, कुछ नहीं करना है आपने। ये देखिए पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, ये 2 7 7 बताए थे, ठीक है ना। फिर मैंने अंदर का बताया था, फिर आपको इस तरह से ले जाना बताया, फिर मैं जब यहाँ पर आई सेंटर में, फिर मैंने आपको ये 3 3 बताए थे, फिर मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, ठीक है। अब जब मैंने ऊपर का ट्रायंगल बनाना है, तो इसको रिपीट करते हुए जाना है। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। चलो मैं आपको थोड़ी सी रो लगा के दिखा देती हूँ किस तरह से बनकर आया हुआ है, ठीक है।